मैंने कहा था ना छूना नहीं। जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने है। तो फाइनली दोस्तों पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास की फिल्म सलार को बॉक्स ऑफिस पर अब लगभग 2 हफ्ते पूरे होने को आ चुके हैं और 2 हफ्तों के अंदर फिल्म ने दुनिया भर से ऐतिहासिक कमाई कर ली है और यहां पर सलार के सामने शाहरुख खान की फिल्म डंकी ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सलार फिल्म के 14 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे फिल्म ने सभी भाषाओं से दुनिया भर में अब तक कितने करोड़ रुपये की कमाई की। तो दोस्तों फाइनली बॉक्स ऑफिस का जो रिजल्ट है वो सामने आ चुका है क्योंकि जब पिछले महीने यहां पर शाहरुख खान की डंकी और प्रभास की सलार रिलीज होने वाली थी जब सब लोग टेंशन में थे कि आखिर प्रभास या शाहरुख खान किसकी होगी बॉक्स ऑफिस पर जीत, क्योंकि एक तरफ है शाहरुख खान जिन्होंने पिछले साल 2023 में जवान पठान जैसी दो दो ब्लॉकबस्टर फिल्में दी तो सबको लगा था कि सिनेमा घरों में पूरी तरह से धमाकेदार कमाई करेगी। वहीं दूसरी तरफ प्रभास की सलार थी जो कि प्रभास के करियर की इसी साल रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म थी तो सबको लगा था कि शायद प्रभास की सलार शाहरुख खान की फिल्म डंकी के सामने नहीं टिक पाएगी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था कि सलार बॉक्स ऑफिस पर डंकी से ज्यादा कमाई करेगी क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज के समय में एक्शन फिल्मों का कलेक्शन हमेशा ही ड्रामा फिल्मों से कहीं ज्यादा होता है। तो जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। प्रभास की फिल्म सलार ने शाहरुख खान की फिल्म डंकी से बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में तो ज्यादा कमाई की, साथ ही साथ फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी डंकी से काफी कई गुना ज्यादा रहा। हालांकि बात करें यहां पर डंकी और सलार के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में तो सबसे पहले जान लेते हैं शाहरुख खान की फिल्म डंकी के 15 दिनों के कलेक्शन के बारे में। दोस्तों राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी फिल्म डंकी ने शुरुआती 14 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर लिया था, लेकिन 14वां दिन आते ही फिल्म के कलेक्शन पूरी तरह से धड़ाम से नीचे गिर गए और फिल्म ने 14वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन सिर्फ 4 करोड़ 15 लाख रुपए का किया। वहीं दोस्तों डंकी फिल्म का जो आज यानी कि अपने 15वें दिन की जो ऑक्यूपेंसी मिली है वो कल के मुकाबले 10-12% ड्रॉप हो चुकी है। तो यहां पर डंकी फिल्म अपने 15वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन सिर्फ 3 करोड़ 80 लाख रुपए का कर रही है और इसी के साथ शाहरुख खान की डंकी का शुरुआती 15 दिनों के अंदर इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 208 करोड़ रुपए का, तो ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 38 करोड़ रुपए का हो चुका है। फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 168 करोड़ रुपए की टोटल कमाई कर ली है और इसी के साथ डंकी फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिर्फ 416 करोड़ रुपए का हुआ है। जी हाँ दोस्तों फिल्म दुनिया भर में 416 करोड़ रुपए की कमाई 15 दिनों में कर पाई। लेकिन दोस्तों अब बात करें फिल्म सलार के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि सलार फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज हुई थी यानी कि डंकी फिल्म के एक दिन बाद, जिसके चलते फिल्म को रिलीज हुए सिनेमा घरों में आज 14 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी फिल्म सलार, इस फिल्म में प्रभास, पृथ्वीराज, सुकुमारन, जगपति बाबू और श्रुति हसन हमें अहम भूमिका में देखने को मिले थे। ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ टोटल 5 भाषाओं में रिलीज हुई थी और इस फिल्म की अगर 5 भाषाओं के कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों यहां पर सलार फिल्म ने शुरुआती 11 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 427 करोड़ 10 लाख रुपए का किया था। वही फिल्म ने 12वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन 7 करोड़ 90 लाख रुपए का किया। हालांकि यहां पर सलार के जो 13वें दिन के कलेक्शन हैं उसमें ड्रॉप देखने को मिला क्योंकि सलार फिल्म अपने 13वें दिन वर्ल्ड वाइड 6 करोड़ 68 लाख रुपए की कमाई की। और अब दोस्तों बात करें 14वें दिन यानी कि आज के कलेक्शन की, तो दोस्तों आज ये फिल्म 6 करोड़ रुपए का टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है और इसी से फिल्म ने 145 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक सलार फिल्म अपने 14वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन 6 करोड़ 68 लाख रुपए की कमाई कर रही है और इसी के साथ सलार फिल्म का शुरुआती 14 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 446 करोड़ 50 लाख रुपए। तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 529 करोड़ 30 लाख रुपए, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 145 करोड़ 50 लाख रुपए की टोटल कमाई की है और दोस्तों इसी के साथ सलार फिल्म का 14 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 672 करोड़ 80 लाख रुपए का हो चुका है। जहां दोस्तों फिल्म दुनिया भर में 672 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है जो कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी से काफी ज्यादा है। तो बॉक्स ऑफिस की इस रेस में प्रभास की फिल्म सलार शाहरुख खान की फिल्म डंकी से काफी ज्यादा आगे निकल गई और प्रभास की जीत हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन दोस्तों आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी, शाहरुख खान की फिल्म डंकी या फिर प्रभास की फिल्म सलार? दोस्तों अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।